Hello, welcome. So today we are starting a new procedure. Any of our student can mail us his doubt or questions, and we are going to provide you a special lesson based on those questions. तो हमारे किसी स्टूडेंट ने हमको बहुत बेसिक लेसन्स के बारे में डिमांड किया. वो जानना चाहते हैं कि बेसिक ट्रेडिंग ऑपरेशंस कैसे होते हैं, मार्केट वॉच कैसे देखी जाए और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है. तो इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं. जब आप ओडिन में लॉग इन करते हैं, ओडिन सॉफ्टवेयर आपको ब्रोकर आपके सिस्टम पर अपलोड कर देता है जब आप अपना ट्रेडिंग ओडीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, और उसका अपना एक पासवर्ड होता है. तो आप उसमें लॉग इन किया, आपने ओडिन में लॉग इन किया और फिर क्लिक करके आपने मार्केट से मार्केट वॉच यहाँ पे लोड किया, और मार्केट वॉच में अपना पोर्टफोलियो जो आपने बना के रखा है पोर्टफोलियो स्क्रिप्ट्स करके, तो वो ये स्क्रीन सामने आ जाती है. स्क्रीन सामने आने के बाद में हम लोग कैसे देखते हैं मार्केट वॉच को, हाउ टू सी दिस मार्केट वॉच. सो ऑन राइट अपर कॉर्नर वी कैन सी द इंडाइसेस. इंडेक्स को हम देखेंगे, यहाँ पे व्यू करके कॉलम होता है, इसमें नीचे लिखा होता है इंडेक्सेस व्यू. इंडेक्सेस व्यू को जब आप क्लिक करते हैं तो यह राइट अपर कॉर्नर पे आपको इंडेक्स दिखने लग जाता है. सो इंडेक्सेस व्यू यहाँ पे आएगा. यहाँ से आप ये देखिए कि इंडेक्स कहाँ जा रहा है. जैसे कमोडिटी मार्केट का इंडेक्स है कॉमडेक्स, और सेक्टोरल बेस मेटल या एनर्जी या बुलियन वो सेक्टोरल इंडेक्सेस है. वैसे ही स्टॉक मार्केट में है सेंसेक्स या निफ्टी. तो यहां से हम लोग देख रहे हैं पूरा मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है. उसके बाद में यहां पे आप मार्केट वाइज जब बनाते हैं तो एमसीएक्स एनसीडीएक्स या एनएसई होगा, उसमें से सिलेक्ट करके अगर आपने इक्विटी फ्यूचर एंड ऑप्शन सिलेक्ट किया तो इक्विटी में आप कैश मार्केट के शेयर लगा सकते हैं. फ्यूचर अगर सिलेक्ट किया तो आप फ्यूचर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी स्टॉक्स फ्यूचर में अवेलेबल है, मतलब लॉट में अवेलेबल है. ऑप्शन करेंगे तो फिर उनके कॉल पुट और एक्सपायरी डेट लगा के आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं. अब ये मार्केट वॉच में क्या क्या दिखाया गया है उस चीज़ को गौर से समझें आप. एक तो सबसे पहले एक्सचेंज बता रखा है, यहाँ पे लिखा है एमसीएक्स. अगर एनएसई की चीज़ें होंगी तो एनएसई लिखा होगा. फिर सिम्बॉल लिखा हुआ है, तो सिम्बॉल में हर एक शेयर का नाम लिखा होता है, स्टॉक का नाम है या स्क्रिप्ट का नाम है. स्क्रिप्ट कमोडिटी हो या स्टॉक हो, जो भी चीज में हम ट्रेड कर रहे हैं उसको स्क्रिप्ट कहा जाएगा. फिर अगर वो फ्यूचर है तो उसकी सीरीज या एक्सपायरी लिखी होती है. तो यहाँ पे जैसे लिखा सिल्वर मिनी, लेड मिनी, जिंक मिनी, सीरीज और एक्सपायरी में लिखा 28 फरवरी. तो ये जो एक्सपायरी डेट, जब तक ये फ्यूचर ट्रेड होगा उसके बाद ये इसका सेटलमेंट हो जाएगा. फिर बाय प्राइस, ये बाय प्राइस है, इस प्राइस पे हम लोग इसको सेल कर सकते हैं. इस प्राइस पे ये सेल होगा, ये सेल प्राइस है, इस प्राइस पे आप बाय कर पाएंगे. और इस प्राइस पे कितने बायर कितने सेलर खड़े हैं ये भी आप एक कॉलम देख सकते हैं. इसके बाद ये एटीपी है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस लगा के रखा है. एटीपी के ऊपर चीजें होती हैं तो हमने समझाया है कि वो बाइंग के लिए स्ट्रांग होती है, एटीपी के नीचे चलेगी तो वो सेलिंग के लिए ठीक हो सकती है. फिर नेट चेंज, पॉइंट्स में कितना चेंज आया हुआ है, रुपयों में कितना चेंज आया हुआ है. फिर परसेंटेज चेंज आपको देखने को मिल रहा है. तो परसेंटेज चेंज कॉलम को आपको सबसे पहले गौर से देखना चाहिए जब आप यहाँ इंडेक्सेस व्यू देखते हैं. और फिर जब आप चुनाव करते हैं कि पूरी स्क्रीन में से कौन सी चीज़ स्ट्रांग है या वीक है, तो परसेंटेज चेंज कॉलम को आप सीधा देख सकते हैं. फिर ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. ये ओपन आज कहाँ ओपन हुआ, हाई आज का सबसे ऊंचा लेवल क्या था, लो सबसे निचला लेवल क्या था, लोएस्ट लेवल, और क्लोज ये प्रीवियस क्लोज है, कल कहाँ क्लोज हुई थी चीज. और डीपीआर, डीपीआर में दिख रहा आपको डेज प्राइस रेंज, और ये बाय सेल्स के सिग्नल यहाँ पे दिखाए गए हैं. ठीक है, अब पूछा गया था कि ये मार्केट वॉच को हमने यहाँ पे देख लिया. तो शुरू शुरू में जब लोग काम करते हैं तो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह तरह के कलर्स आ रहे हैं. मतलब ब्लू कलर आ रहा है बाइंग के लिए, रेड कलर आ रहा है सेलिंग के लिए, वो बार बार वो चीज़ें ब्लिंक कर रही है. और हम शुरू में जाके पूरी स्क्रीन को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं तो हमको कुछ भी नहीं दिखता. इसलिए आपको वो तरीका आना चाहिए कि कौन सी चीज़ है जिस पर फोकस करना है, और उसके बाद उसको वहाँ से डिटेल में कैसे जाना है. तो परसेंटेज चेंज पे आप आए, फिर आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे कि चलो ठीक है एनजी सबसे वीक है,
और सबसे मजबूत दिख रहा है मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल, और उसके बाद फिर मैं उसका डिटेल देखने जाता हूँ। तो F5 में मैं बायर सेलर देख पा रहा हूँ कि इतने बायर हैं, इतने सेलर हैं। यहाँ पे LTQ लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी, LTT लास्ट ट्रेडेड टर्नओवर, टर्नओवर मतलब कितने रुपयों की खरीदी बिक्री हुई उसको टर्नओवर कहते हैं, और जितनी संख्या किसी स्क्रिप्ट की खरीदी बेची गई उसको वॉल्यूम कहते हैं। इसके बाद में ये ATP यहाँ पे भी लिखा होता है, परसेंटेज चेंज, ओपन हाई, लो क्लोज, लाइफ टाइम हाई, ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम लो। ऑल टाइम हाई लो किसको बोलेंगे कि अभी तक ये स्क्रिप्ट इतने सालों में जो उसका हाई बना है, अभी तक का जो सबसे उच्चतम स्तर है इतने सालों में जब से ये है ट्रेड हो रही मार्केट में, और सबसे निचला स्तर, और ऐसे ही 52 वीक हाई और लो भी होता है कि इस साल का उच्चतम और न्यूनतम स्तर। तो हमने उस चीज को देखा, पहले FI से ये चीज देखी, उसके बाद कंट्रोल आई करके आप उसका चार्ट देखिए। ऐसे कंट्रोल आई किया, चार्ट सामने आ जाएगा। तो ये कंट्रोल आई से चार्ट सामने आ गया, चार्ट में यहाँ पे ये लाइन चार्ट आपको दिख रहा है, तो ये टाइमिंग चल रही है, इसको बोलते हैं टाइम स्केल, और यहाँ पे प्राइस चल रही है, इसको बोलते हैं प्राइस स्केल। तो एक्स एक्सिस आपकी हमेशा होती है टाइम स्केल, और वाई एक्सिस होती है प्राइस स्केल। मैंने इसको डबल क्लिक किया, ये बड़ा हो गया, और नीचे आपको बिल्डिंग्स की तरह ये जो चीज़ें दिख रही है ये वॉल्यूम के लेवल्स हैं। तो आपको ऐसा पता लग रहा है कि कोई खास खास समय पे खास वॉल्यूम हुआ है। जैसे यहाँ अगर मैं देखता हूँ 7:30 बजे वॉल्यूम दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको 8:40 पे वॉल्यूम दिख रहा है। तो यही चीज़ आपको सीखनी है कि कौन कौन से समय पे ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं। हमने जो टाइम स्लॉट सिलेक्ट किए हैं वो इसी बेसिस पे किए गए हैं। अब इसकी बाइंग सेलिंग देखते हैं कि मुझे बाइंग करना है F1 या क्वांटिटी। आप जिस चीज को सिलेक्ट करके F1 करेंगे तो वो वहीं पे उसका बाइंग बाय ऑर्डर फॉर्म आ जाता है। F1 से हमने बाइंग की, लॉट लिखा है 1 लॉट, अगर आपको 2 लॉट 3 लॉट करना है तो लॉट बदल सकते हैं, प्राइस आप बदल सकते हैं। तो यहाँ प्राइस, अगर आपने कोई प्राइस अपनी तरफ से डाली, 6240 में डाल देता हूँ, तो ये लिमिट ऑर्डर प्राइस कहलाती है। अगर मैं प्राइस को मिटा दूँ ओडिन में तो वो हो जाएगा मार्केट ऑर्डर, फिर वो मार्केट में जो भी प्राइस चल रही होगी उस पर आपकी खरीदी हो जाएगी। तो ये बाइंग हो गई। F2 से मैं सेलिंग करता हूँ, तो ये सेलिंग होगी यहाँ से F2 से। तो अगर आपने F1 से बाइंग कर रखी है तो आप एक तो सपोज ये क्रूड है 6240 पे बाई किया, तो एक चीज तो 6260 पे या 6280 पे मैं सेलिंग ऑर्डर लगाऊंगा सीधे सीधे, जब वो प्राइस आएगी तो वहाँ पे ट्रेडिंग हो जाएगी। लेकिन एक चीज हम करेंगे, स्टॉप लॉस लगाना, कि अगर मैंने F1 से बाइंग कर रखी है इसकी, तो नीचे F2 से स्टॉप लॉस लगेगा और ऊपर F2 से सेलिंग ऑर्डर लगेगा। तो मैंने ये F2 किया, F2, और यहाँ पे जब मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो मुझे ये ऑर्डर टाइप में, गौर से देखिए आप इसको, टाइप में आपको दो चीजें दिखती है पॉपअप में, RL और SL। RL अगर लिया तो जो भी प्राइस मैंने लिख के दी है अभी उस पर ट्रेड हो जाएगा, और इसको अगर SL सिलेक्ट करूंगा तो फिर ये स्टॉप लॉस लगेगा। अब इसको थोड़ा समझना होगा आपको कि ये 6240 पे मैंने कोई क्रूड को बाय किया और अब मैं 6230 का स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ सपोज, और मैंने अगर इसमें ट्रिगर प्राइस नहीं डाली, SL नहीं चुना, तो ये 6240 की चीज मार्केट में 6230 पे तो अभी बिक जाएगी। तो आपको यहाँ कंडीशन डाल दी होगी, RL किस जगह आप यहाँ SL चुनिए, तो यहाँ पे ये ब्लॉक खुल जाएगा ट्रिगर प्राइस का। तो मैं जब स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो यहाँ पे तो मैंने स्टॉप लॉस में लगा दिया 6230, 6230 पे नीचे जाए तो मेरा ये बिक जाना चाहिए, बस मुझे 10 पॉइंट का ही नुकसान हो। लेकिन यहाँ ट्रिगर प्राइस में मैं लिखूंगा 6231, ये मैं 6232 या 33 भी ले सकता हूँ, मतलब जहां मैंने बाय किया 6240 और जहां मैं उसको बेच देना चाहता हूँ 6230, उसके बीच में आती है ट्रिगर प्राइस। तो ट्रिगर प्राइस ये कंडीशन देती है कि अगर इसको क्रॉस किया तो ये ऑर्डर इंप्लीमेंट हो, अदरवाइज इस ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। आप समझ गए, एक तरीके से जैसे फ्यूज उड़ने वाली बात होती है ना आपके घर में, कि इससे ज्यादा वोल्टेज बढ़े तो फ्यूज उड़ जाना चाहिए, ऐसे स्टॉप लॉस में ट्रिगर प्राइस डाल रखी है, ट्रिगर प्राइस क्रॉस होने के बाद ही ये ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा, नहीं तो ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ये स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा दिया। अब इसको आप जाके चेक कर सकते हैं F3 करके, अगर मैं क्रूड को सिलेक्ट करके एक बार F3 दबाता हूँ तो मुझे क्रूड के सारे ऑर्डर दिखते हैं। अगर मैं
F3 दबाता हूँ तो मुझे अभी तक जिसमें भी क्रूड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, निकल या स्टॉक मार्केट में अगर मैंने 5 तरह के स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग ऑर्डर लगा रखे थे तो सारे ऑर्डर की बुक यहाँ मुझे दिखती है। तो मुझे हर 10 मिनट के अंदर F3 करके ऑर्डर बुक देखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि स्टेटस क्या है उसका, पेंडिंग है क्या कोई ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर बेकार में पेंडिंग हो तो उसको कैंसिल करते चले जाओ, क्योंकि आपने चीज खरीदी थी, आपने शेयर खरीदा था समझो 320 रुपए पे और आपने उसको प्रॉफिट बुक कर लिया 330 पे बेच के, लेकिन 310 पे जो स्टॉप लॉस लगा था उसको अभी आपने हटाया नहीं, तो बीच बीच में चेक करके वो स्टॉप लॉस हटाते जाइए, क्योंकि शुरू शुरू में ये ऑर्डर मैनेजमेंट आपसे होता नहीं है और आपसे गलतियां हो जाती। गलतियां मतलब आपने 100 शेयर्स बाय किए थे और 2 बार बिक गए, वो एक बार ऊपर बिक गए और एक बार नीचे स्टॉप लॉस टूट गया, तो 100 शेयर शॉर्ट हो जाएंगे और वो तीसरे दिन ऑक्शन में चले जाएंगे, आपको पेनल्टी के साथ वापस खरीदने होंगे, तो ऐसे आपका नुकसान होता है। ठीक है, हाँ, अब ये आगे मैं जो बात करता हूं एफएट से आप देखते हैं ट्रेड बुक, एफएट किया तो आपको सारा ट्रेड बुक नजर आ रहा है कि आपने कौन कौन से ट्रेड हुए नहीं हुए। फिर आप देखेंगे अल्टर एफ सिक्स से आपका ट्रेडिंग रिकॉर्ड आपको नजर आता है। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में कैश में काम करते हैं तो अल्टर एफ सिक्स से सीधा ट्रेडिंग रिकॉर्ड नजर आ रहा है, जिसमें क्या क्या दिख रहा है आपको, बहुत सारी चीजें हैं, बाय क्वांटिटी दिखती है, सेल क्वांटिटी दिखती है, नेट क्वांटिटी कितनी है वो दिख रही है, और खास तौर पे आपको देखना है यहाँ पे M2M मतलब प्रॉफिट और लॉस आपका, तो वो प्रॉफिट और लॉस देख के और आप यहाँ डिसीजन ले पाते हैं। और जैसे कोई पोजिशन रखी है तो उस पोजीशन को जब भी आप बेचने जाएं तो यहीं से सेलेक्ट करके F2 करेंगे तो यहाँ से सीधे बिक जाएगी वो चीज़, तो आप में क्वांटिटी की गलती नहीं होगी। तो ये ऑपरेशन मैंने बताया आपको, F1 से बाइंग, F2 से सेलिंग और F2 से स्टॉप लॉस। अगर बाइंग किया है तो F2 से सेलिंग, F2 से स्टॉप लॉस। अगर सेलिंग किया है, F2 से पहले सेलिंग किया तो F1 से बाइंग, प्रॉफिट बुकिंग ऑर्डर और F1 से स्टॉप लॉस लगाएंगे आप लोग। और F3 से आप ऑर्डर बुक देखते हैं, जिसमें आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, टाइम आने पे मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब अगर आपने पहले 100 शेयर की बाइंग लगा के रखी थी, अब आपकी इच्छा हो रही कि नहीं 100 नहीं लेना, मुझे 50 शेयर ही बाय करने हैं, तो आप जाइए वहाँ पे और शिफ्ट F2 करके उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर आता है एफएट करके आप अपनी ट्रेड बुक देखते हैं कि जैसे आपने 200 शेयर की बाइंग लगाई थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस प्राइस पे 200 शेयर ही आ गए हों, एकदम से प्राइस बढ़ गई तो आपके 120 शेयर्स आए और 80 शेयर्स अभी भी पेंडिंग है, तो आप जब अल्टर F6 करके देखेंगे वहाँ पे ट्रेडिंग रिकॉर्ड में जाके, तो आपको वहाँ नेट क्वांटिटी दिखेगी कि आपके 120 शेयर ही आए हैं। तो या तो अल्टर F6 में जाके वो नेट क्वांटिटी देखिए, या फिर एफएट करके ट्रेड बुक देखिए कि कितने शेयर्स की ट्रेडिंग हुई है और कितने अभी नहीं हुई है, वो बाकी जो बचे हुए पेंडिंग है वो आपको F3 ऑर्डर बुक में दिखने वाले हैं। ठीक है, तो आप को मैंने जो चीज़ कह रहा था, एक खास बात ध्यान रखने को कि जब भी आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो अल्टर F6 करके जो कॉलम दिख रहा है आपको वहाँ पे स्टॉक को वहीं पे सिलेक्ट करो और वहीं से आप उसको बेच सकते हैं। ठीक है, अब अगली जो बात आती है स्टॉप लॉस कैसे लगाएं वो मैंने आपको बता दिया, मार्केट वॉच कैसे देखें ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आपको अगर कोई चीज इसमें ऐड करनी है स्क्रीन में तो यहाँ से आप एक्सचेंज को सिलेक्ट करें, फिर आप यहाँ पे फ्यूचर या कैश को सिलेक्ट करें, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करें, और अगर फ्यूचर या ऑप्शन है तो यहाँ से एक्सपायरी को सिलेक्ट करें। तो एक्सपायरी में अलग अलग सीरीज है, फेब्रवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है। तो हेजिंग के लिए कई बार मैं आपसे कहता हूँ कि आप एक फेब्रवरी की सीरीज भी लगा के रखें और मार्च की सीरीज भी लगा के रखें, तो आपको अभी ये जानने को भी मिलेगा कि दो अलग अलग सीरीज के मूवमेंट में, उनके बिहेवियर में क्या फर्क है, ये आपको सीधे सीधे देखने को मिल जाएगा। तो ये ओडिन के ट्रेडिंग ऑपरेशंस मैंने यहां पे आपको बता दिए। अब यहां पे कुछ और चीजें मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या है। तो शेयर मार्केट में या कमोडिटी मार्केट में काम करने के लिए आपको दो तरह के अकाउंट्स लगते हैं, एक तो होता है डीमैट अकाउंट, एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट अकाउंट होता है आपके स्टॉक्स की डिलीवरी रखने के लिए, जिसमें आपने अपने स्टॉक की डिलीवरी रखी हुई है, ट्रेडिंग अकाउंट में आप उसको खरीदते बेचते हैं।
तो डीमैट अकाउंट में जो शेयर्स आपके रखे हुए हैं उसके बेनिफिशियरी आप हैं। वो डीमैट अकाउंट खुला है या तो NSDL के साथ या CDSL के साथ, ये डिपॉजिटरी सर्विसेज हैं जिनकी जिनकी यहाँ आपका डीमैट अकाउंट खोला गया है आपके ब्रोकर के जरिए। आपके ब्रोकर के जरिए आपको या तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, एक को NSE प्रमोट करता है, एक को BSE प्रमोट करता है। तो स्टॉक मार्केट का एक पुराना स्टॉक एक्सचेंज है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वो 1875 से काम कर रहा है, आज 140 साल हो गए हैं। और NSE शुरू हुआ है 94-95 के आसपास, 92 के आसपास। तो एक एक्सचेंज काफ़ी पुराना है, एक बाद में आया है। BSE का जो इंडेक्स है वो सेंसेक्स है, सेंसेक्स 30 शेयर्स का एवरेज है। और NSE का जो इंडेक्स है वो निफ्टी है, ये टॉप 50 शेयर्स का एवरेज है। तो ये एवरेज आपको ये बताता है कि पूरे मार्केट का सेंटिमेंट या डायरेक्शन क्या है। अगर मेरे 30 शेयर में से 20 शेयर बढ़ रहे हैं, 10 गिर रहे हैं, तो ये पता लगेगा कि निफ्टी का ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है, तो मैं कहूँगा कि चलो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कुल मिला के मार्केट बढ़ रहा है या मार्केट लुढ़क रहा है। तो उस सेंटिमेंट के हिसाब से हम या बाइंग या सेलिंग का जो मोटा डिसीजन है वो लेने वाले हैं। सेंसेक्स में ऐसे 30 शेयर्स का डिटेल है। अब सेंसेक्स और निफ्टी में 30 और 50 में कम से कम 20-22 स्टॉक्स तो कॉमन है, इसलिए आप देखेंगे सेंसेक्स और निफ्टी पैरेलल चलते हैं, लेकिन उनकी वैल्यू में फ़र्क है। निफ्टी चल रहा है अभी 6000 के आसपास, और सेंसेक्स चल रहा है अभी 20000 के आसपास। ठीक है, तो सेंसेक्स निफ्टी के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आगे हम लोग बहुत सारी दूसरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं मार्केट के बेसिक्स के बारे में, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप हमसे बिल्कुल कनेक्टेड रहें, हमारी साइट्स को आप डिटेल में विजिट कर सकते हैं, www.speedearning.in, www.smallstoplos.in एंड www.mcxcalls.co.in। थैंक यू वेरी मच, बाय।